ये हुआ बैलेंसिंग द इक्वेशन. इसके बेस इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम आज मेंशन करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर. मैग्नीशियम रिबन को क्यों बर्न किया जाता है और बर्न करने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है. बर्न क्यों किया जाता है हमें देखना है वो कैसे रिएक्ट होती है. लेकिन मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ क्यों किया जाता है. देखिए मैग्नीशियम रिबन जब हम अपने लेबोरेटरी में रखते हैं तो उसके ऊपर धूल मिट्टी तो आती है, तो पहले तो उसको साफ करना पड़ता है. तो वो एक रीज़न है कि ऊपर की जो डस्ट पार्टिकल है उसको निकालना है. दूसरा रीज़न है जो मैग्नीशियम हम स्टोर करके रखते हैं लेबोरेटरी में तो वो एक फाइनली मेटल है, तो धीरे धीरे रिएक्शन करता है किससे, ऑक्सीजन ऑफ द एयर. तो एक पतली सी लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनती जाती है. बहुत स्लो प्रोसेस है लेकिन ओवर द टाइम वो बनती जाती है. तो कैसे साफ करना पड़ता है, एक सैंड पेपर लेते हैं और सैंड पेपर से उसको रगड़ते हैं. जब हम सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को रगड़ते हैं तो ऊपर की एक पतली सी लेयर निकल जाती है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुकी थी. इसीलिए बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इट इज़ ऑलवेज एडवाइसेबल टू क्लीन इट. अब ये क्लीन क्यों किया, ऐसी मैं जला दूं तो क्या होगा. देखिए जगह अगर उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर ऑलरेडी है, धूल मिट्टी भी ऑलरेडी है, तो जो इग्निशन टेम्परेचर है वो और बढ़ जाएगा. जो इग्निशन टेम्परेचर क्या था, वो था कि टेम्परेचर एट विच द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स. तो वो इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा. इसलिए इग्निशन टेम्परेचर को न बढ़ने देना चाहिए, उसको हम साफ करके यूज़ कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन विच आर बैलेंस्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. वहाँ पर दो वर्ड इक्वेशंस दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं कौन सा वर्ड इक्वेशन है. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. ये वर्ड इक्वेशन दिया है. अब इस वर्ड इक्वेशन को हमको केमिकल इक्वेशन बनाना है. कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, H2. हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2 प्लस, ऐसे ही कॉपी करना है. क्लोरीन का फॉर्मूला है Cl2. अब C कैपिटल होता है, L स्मॉल होता है. हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला है HCl. ये हो गया स्केलेटल फॉर्मूला और स्केलेटल इक्वेशन जो मैंने बनाया है. अब इसको बैलेंस कैसे करना है देखते हैं. लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2. राइट साइड पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1. क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये दोनों 1-1 है. हम लिखते नहीं हैं, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ. सो अगर हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 ही है तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं यहाँ पर 2 लिख सकती हूँ. तो H2Cl तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो टोटल गलत हो जाएगा. तो मैं राइट हैंड साइड पे तो बिल्कुल नहीं लिख सकती. लेट मी राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला. तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, क्या हुआ, अभी यहाँ पर H2 हो गया, यहाँ पर ये H2 हो गया. लेकिन ये जो 2 है ये कॉमन है पूरे फॉर्मूले के लिए, तो ये 2 H के लिए भी है, ये 2 Cl के लिए भी है. सो यहाँ पर Cl भी 2 हो गया. अब यहाँ पर Cl2 है तो लेफ्ट में Cl कितने हैं, 2 है. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये बैलेंस है अभी. यस, हाउ विल यू चेक इट, H2 Cl2 Cl2. यस, माई रिएक्शन इज बैलेंस्ड और दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ऐसे करना है. दूसरा कौन सा है, दूसरा है बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट. अब ये बनाता क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, ये बनाता है सोडियम बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड.
प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये हो गया वर्ड इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन में दिया गया है ये है वर्ड इक्वेशन। अब ये वर्ड इक्वेशन को मुझे बनाना है केमिकल इक्वेशन। सो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है बी ए सी एल टू, ठीक है, बी ए सी एल टू। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, ए एल टू एस ओ फोर थ्राइस। कैसे मैं थ्राइस बोलती हूँ, ए एल टू एस ओ फोर थ्राइस, थ्राइस मीन थ्री टाइम्स। सो जब मैं थ्राइस बोलती हूँ तो उसको हमको ब्रैकेट में डालना पड़ता है। नाउ दिस रिएक्ट्स, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स फॉर्मिंग बेरियम सल्फेट बी ए एस ओ फोर प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड ए एल सी एल थ्री। ये हुआ अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। देखिए बेरियम क्लोराइड फॉर्मूला बी ए सी एल टू, एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्मूला ए एल टू एस ओ फोर थ्राइस, बेरियम सल्फेट जो बनता है बी ए एस ओ फोर, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो बनता है ए एल सी एल थ्री। ये थोड़ा बड़े बड़े फॉर्मूलेज हैं जो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, कैसे हमको बैलेंस करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद बी ए। यहाँ पर जो बी ए है यहाँ पर कुछ नहीं नंबर लिखा है, मतलब वन है, और यहाँ पर भी कुछ नंबर नहीं लिखा है, मतलब वन है। तो बी ए बी ए हमारा बैलेंस हो गया। आते हैं सी एल, सी एल मतलब क्लोरीन। क्लोरीन पे कितने एटम्स हैं, टू, और यहाँ पर क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, थ्री। अभी आप मैथमेटिकल लॉजिक यूज़ करिए और आप बताइए कि ऐसा नंबर कौन सा होगा जो दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो दोनों नंबर इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री है, तो अगर मैं यहाँ पर थ्री लिखती हूँ और यहाँ पर टू लिखती हूँ तो कैसा होगा, थ्री टू ज़ा सिक्स, मतलब मैं अभी क्लोरीन की ही बात कर रही हूँ, थ्री टू ज़ा सिक्स और यहाँ टू थ्री ज़ा सिक्स, तो मैंने क्लोरीन को तो बैलेंस कर दिया। लेकिन एक गड़बड़ है, मैंने यहाँ पर क्लोरीन को बैलेंस करने गई तो मैंने यहाँ थ्री लिख दिया, ये थ्री बेरियम के लिए भी थ्री होता है, बराबर, ये थ्री कॉमन है ना बेरियम के लिए भी और क्लोरीन के लिए भी। तो अगर मैंने यहाँ पर बेरियम को थ्री बना दिया तो मुझे यहाँ पर भी बेरियम को थ्री बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर थ्री लिख दिया। अब ये जो थ्री है ये बेरियम के लिए भी है, सल्फर के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी हमारा बी ए जो बेरियम है वो बैलेंस हो गया और क्लोरीन जो है वो बैलेंस हो गया। अब हम आते हैं दूसरे इस पे, यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं, टू, ठीक है, ए एल टू। अब यहाँ पर अगर आप ये कंसिडर ना करें तो यहाँ पर एल्यूमिनियम कुछ नहीं था, वन ही था, लेकिन हमने क्लोरीन बैलेंस करने गए तो हमने ऑलरेडी टू लिख दिया है। सो ये जो टू है एल्यूमिनियम के लिए भी है, ये जो टू है क्लोरीन के लिए भी है, तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ एल्यूमिनियम टू है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम टू ही है, मतलब एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है। अब ये देखिए यहाँ पर आइए सल्फेट पे, ये जो सल्फर है और ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों मिला के एसओ फोर बना रहे हैं, ये एक रेडिकल होता है, दोनों को ब्रैकेट में डाला गया है। तो ये जो थ्री है कॉमन, ये थ्री एस के लिए भी है, ये थ्री ओ के लिए भी है, राइट। सो अगर ये थ्री एस के लिए भी है तो यहाँ एस कितना हुआ, थ्री, हमने ऑलरेडी यहाँ पर थ्री लिख के एस को बैलेंस कर चुके हैं। और ये ऑक्सीजन, ये थ्री था और यहाँ फोर था, मतलब फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, यहाँ ऑक्सीजन कितने हुए, ट्वेल्व, यहाँ ऑक्सीजन ट्वेल्व हुए, क्या देख लीजिए, फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व। सो ये हुआ बैलेंसिंग द इक्वेशन, और ये हमने बैलेंस किया है हिट एंड ट्रायल मेथड से। मैं आपको एक बार और बताती हूँ, ये बेरियम मैंने बैलेंस किया और यहाँ पर बेरियम पहले वन था और यहाँ पर बेरियम वन था तो वो बैलेंस था, लेकिन जब हम क्लोरीन को बैलेंस करने गए तो यहाँ देखा टू था और यहाँ क्लोरीन थ्री था। अब हमें ऐसा नंबर देखना था
जिससे मल्टीप्लाई करके हमें एक ही आंसर मिले। तो हमने क्या किया, ये जो 3 था 3 इंटू 2 6 कर दिया और ये हो गया 2 इंटू 3 6 हो गया। सो हमारा क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। फिर हम आए एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम ऑलरेडी यहाँ 2 था। अब यहाँ पर जब बैलेंसिंग कर रहे थे तो ये 2 हमने लिख दिया था इस फॉर्मूले के लिए, तो ऑटोमेटिकली एल्यूमिनियम 2 बन गया था। और ये जो SO4 है यहाँ S3 है तो यहाँ पर भी S3 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 इंटू 3 12 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 इंटू 3 12 है। तो ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 2-3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर आएगा कि कैसे बैलेंसिंग की जाती है। और तीसरा एग्जाम्पल जो दिया गया है क्वेश्चन, वो दिया है सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये हमारे लिए वर्ड इक्वेशन क्वेश्चन है। अब हमें इसको पहले तो हमें स्केलेटल इक्वेशन बनाना है और उसके बाद हमें बैलेंस करना है। चलो देखिए सोडियम का फॉर्मूला क्या है, Na, ठीक है। वाटर का तो आपको मालूम है H2O, ये एरो बन गया। अब प्रोडक्ट में क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। और हाइड्रोजन बनता है H2। ये हो गया स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड होता है। अब अगला स्टेप है हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, चलिए वही स्टार्ट करते हैं जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड में करते हैं। पहला Na, यहाँ पर कितने Na हैं, यहाँ 1 लिखा है, कुछ लिखा नहीं मतलब 1, तो ये बराबर 1 होगा। ये Na में भी कुछ लिखा नहीं है मतलब 1, तो सोडियम इज बैलेंस्ड, ये समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ पर भी तो एक हाइड्रोजन है। आपको सारे हाइड्रोजन ऑन वन साइड गिनने पड़ते हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ 1 है यहाँ 2 है मतलब टोटल 3। आप 3 कैसे करें, यहाँ पर इवन नंबर में करना इजी है क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर में हो जाता है। तो हम इसको इवन नंबर कैसे बना सकते हैं, अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 तो मैं टोटल हाइड्रोजन कितने बना देती हूँ यहाँ। अब ये जो 2 है ये Na के लिए भी 2 है, ये O के लिए भी 2 है और ये H के लिए भी 2 है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये अभी मैं सिर्फ हाइड्रोजन नंबर पूछ रही हूँ तो आप बोलेंगे ये 2 और ये 2 मतलब 4, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को 4 करने के लिए मैं क्या करूँगी, तो यहाँ ऑलरेडी 2 है तो मैं बोलूँगी मैं यहाँ 2 लिख रही हूँ, 2 इंटू 2 4, हाइड्रोजन का बैलेंस हो गया, राइट। अब मैंने क्या किया, ये जो 2 बनाया लिखा है वो हाइड्रोजन के लिए भी था ऑक्सीजन के लिए भी था, तो यहाँ मैंने ऑक्सीजन को 2 बना दिया और हाइड्रोजन को यहाँ 4 बना दिया, 2 इंटू 2 4। अब वहाँ पर तो हाइड्रोजन 4 हो गया लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये 2 है तो यहाँ 2 हुआ क्या, हो गया, क्योंकि हमने यहाँ 2 लिख दिया था। तो ये 2 कॉमन है ना सोडियम के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी, हाइड्रोजन के लिए भी, सो आई कैन से ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब क्या बचता है, अभी हमने क्या किया 2 जब लिखा था तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया लेकिन हाँ ना सोडियम 2 बन गया, यहाँ राइट हैंड साइड पे 2 बन गया और लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम कितना है, 1 ही है। तो उसको मेरे को 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगी, ठीक है। अब एक बार चेक कर लें कि हमारे नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट साइड आर दे इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट साइड। स्टार्ट करते हैं सोडियम से, सोडियम यहाँ 2 है यहाँ पर भी सोडियम 2 है, सोडियम बैलेंस्ड। यहाँ हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4 है, फिर यहाँ का हाइड्रोजन 2 और यहाँ का हाइड्रोजन 2, 2 प्लस 2 4 हो गया, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, मतलब एवरी एलिमेंट इज बैलेंस्ड। सो हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन और दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ ऐसे हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है जिसमें आपको वर्ड इक्वेशन भी नहीं दिया है, आपको पूरे सेंटेंसेस में पूछा गया है, मैं पढ़ के बताती हूँ फिर आप लिखेंगे। सोल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव
इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. आपको समझ नहीं आया होगा, मैं लिख के बताती हूँ फिर आपको समझ आएगा. अब इसमें क्या करना है, पहले तो आपको इक्वेशन लिखना है जो अनबैलेंस रहेगा, उसके बाद उसको बैलेंस करना है, और उसके बाद उसको स्टेट्स भी लिखने हैं. तो तीन चीज़ें करनी है. पहले आप क्वेश्चन समझिए. सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर. तो मैंने बोला ये जो बेरियम क्लोराइड होता है वो पाउडर फॉर्म में मिलता है, और सोडियम सल्फेट जो होता है वो भी पाउडर फॉर्म में मिलता है. तो जब हमको रिएक्शन करवाने हैं तो हम उनको वाटर में मिक्स करते हैं. तो ये बोला गया है कि बोथ सॉल्यूशंस इन वाटर बेरियम क्लोराइड. अब बताइए बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या था. बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला था BaCl2. अब ये BaCl2 को पाउडर में लिया, पानी में डाला, घोल बनाया, मतलब सॉल्यूशन बनाया, और फिर रिएक्शन में यूज़ किया. तो बेरियम क्लोराइड, अब ये एक्वस सॉल्यूशन हुआ कि लिक्विड सॉल्यूशन हुआ. तो आपको आपका आंसर होना चाहिए ये एक्वस सॉल्यूशन हुआ. क्यों? क्योंकि हम पानी में मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं. सो मुझे स्टेट लिखना है तो आई विल राइट AQ, यहीं पर लिख देंगे. प्लस अब ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर. सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन क्या फॉर्मूला है, सोडियम Na2SO4. ये है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला. अब इसको पानी में मिलाया, घोल बनाया, तो ये कौन सा स्टेट में हुआ, ये भी एक्वस स्टेट में होगा. ठीक है, अब ये दोनों रिएक्ट हुए, उसके बाद बने क्या, इट फॉर्म्ड बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. ना बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl. अब जो ये बेरियम सल्फेट बनता है वो ना आपको दिखेगा कि वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है. प्रेसिपिटेट मतलब ऐसा सॉलिड फॉर्म बनता है जो डिजॉल्व ही नहीं होता पानी में, तो नीचे बैठ जाता है. सो जो नीचे बैठ जाता है प्रोडक्ट उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. तो हम कैसे दिखाएंगे उसको, हम दिखाएंगे सॉलिड S. वाई सॉलिड, बिकॉज वो सॉलिड स्टेट में बन रहा है लेकिन पाउडर फॉर्म में है, और धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाता है, हैवी होता है इसलिए बैठ जाता है. तो हम स्टेट लिखेंगे सॉलिड, और NaCl जो बनता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है. सो हम यहाँ लिखेंगे L. अब ये तो इक्वेशन बन गया, अब इसको बैलेंस करना. हमने दो चीज़ें कर दी, हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ के इक्वेशन बना दिया, स्टेट्स भी लिख दिए, अब इसको बैलेंस करना है. चलिए बैलेंस कैसे करना है देखते हैं. विल स्टार्ट विथ बेरियम BA, यहाँ एक ही है, यहाँ पर भी BA एक ही है, मतलब बैलेंस्ड है, अभी के लिए बैलेंस है. Cl पे आते हैं, यहाँ पर Cl2 है, यहाँ Cl1 ही है. देखिए NaCl लिखा है, तो अगर मेरे को यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो मैं यहाँ 1 को 2 बना सकती हूँ. कैसे बनाऊँगी, क्या मैं यहाँ लिखूँगी, नहीं. अगर मैं यहाँ लिखूँगी तो NaCl2 बन जाएगा. मैंने बोला था जब आप राइट साइड में लिखोगे तो आप पूरा का पूरा फॉर्मूला ही चेंज कर रहे हो. सो इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, ये हो ही नहीं सकता. तो आप क्या करोगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड फार्मूला के लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है. सो आप 2 यहाँ लिखोगे. ठीक है, अब ये जो 2 है ये Na के लिए भी 2 है और Cl के लिए भी 2 है, ये याद रखिए. तो Cl2 हो गया, Cl2 हो गया, Cl भी हो गया. अब आते हैं Na, यहाँ Na कितने हैं, 2. अब यहाँ पर भी Na हमने 2 कर ही दिया था क्योंकि हम Cl को, क्लोरीन को हम बैलेंस करने गए, तो हम क्लोरीन को बैलेंस करने गए तो यहाँ 2 लिखा, उसके कारण हमारा Na भी 2 हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया. सो Na2 यहाँ सल्फर एक ही है, यहाँ सल्फर एक ही है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हैं. सो अब एक बार रिव्यू करिए, Ba1 Cl2, ये Cl भी 2 बना दिया गया है, Na2 ये Na भी 2 को 2 बना दिया गया है, यहाँ S1 यहाँ S1, यहाँ ऑक्सीजन 4 यहाँ ऑक्सीजन 4. सो दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल
equation written with all the states. Aqueous, solid, liquid, ये सब हमने लिखा है जहाँ ज़रूरत है. तो ये कंप्लीट आंसर हुआ आपका. अगला इक्वेशन कौन सा दिया है देखते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर. अब देखिए यहाँ क्या है, दो रिएक्टेंट्स, दो प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है. पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर. हमें जब लेबोरेटरी में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है तो एक बॉक्स में मिलता है जिसको जिसमें एक छोटे छोटे पीसेस ऑफ सोडियम रहते हैं, उसको हम कहते हैं सोडियम पैलेट्स. वाइट कलर के दिखते हैं और उनको निकाल के अगर हम पानी में मिक्स करें और उसको हम घोलें तो हमको वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन जाता है. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसको हमने पानी में घोल में बनाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन गया. अब इट शुड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये सॉल्यूशन फॉर्म में बनते हैं और ये गैस फॉर्म में भी बन सकता है, इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि ये लिक्विड फॉर्म है या गैशियस फॉर्म है. तो यहाँ पर वो लिक्विड का मेंशन किया गया है जो पानी में बना है. अब ये भी पानी में बना है तो मैं लिखूंगी एक्वस, ये भी पानी में बना है तो मैं लिखूंगी एक्वस. ठीक है, अब ये बना रहा है NaCl प्लस वाटर. अब NaCl जो बना है वो सॉलिड फॉर्म में बना है, मतलब पाउडरी फॉर्म में बना है, तो हम इसको लिखेंगे S. और ये जो वाटर बना है ये है लिक्विड स्टेट में, सो हम लिखेंगे लिक्विड. हमने स्टेट्स लिख दिए, हमने केमिकल इक्वेशन लिख दिया. अब हम बचता क्या है, अब बचता है हाउ टू बैलेंस इट. चलिए देखते हैं वन बाय वन, हिट एंड ट्रायल मेथड. सोडियम यहाँ पर कितना है, सोडियम वन, यहाँ कुछ लिखा नहीं मतलब वन, यहाँ सोडियम वन मतलब इट इज़ बैलेंस्ड. आइए ऑक्सीजन पे, यहाँ ऑक्सीजन कितना है देखिए, लेफ्ट साइड में सारे ऑक्सीजन देखने पड़ते हैं तो सारे ऑक्सीजन में यही एक ही ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन कितना है वन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन वन ही है मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है. यहाँ पर एच, अभी आपको देखने हैं लेफ्ट साइड के एच, यहाँ एक एच है यहाँ एक एच है तो टोटल मिला के ये एक एच ये एक एच मतलब दो एच. यहाँ पर दो एच है क्या, हाँ है, तो ये भी बैलेंस हो गया. आते हैं Cl पे, Cl यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर भी Cl एक ही है, मतलब ये कह सकती हूँ मैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. ऑलरेडी द नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट साइड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट साइड, सो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. ये हुए केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखने हैं, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, कैसे बैलेंस करने हैं, ये आपको जरूर यू मालूम होना चाहिए कि हम क्यों बैलेंस कर रहे हैं. टू सेटिस्फाई टू थिंग्स, वन इज द मास ऑन द लेफ्ट साइड बिफोर द रिएक्शन एंड मास ऑन द राइट साइड आफ्टर द रिएक्शन शुड रिमेन सेम. वाई क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंतर्गत हमें ये देखना होता है कि मास ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन रिमेन सेम. दूसरा रीजन इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट साइड ऑल्सो रिमेन्स सेम. सो ये दो रीजन्स को करने के लिए हमें बैलेंसिंग द इक्वेशन करना पड़ता है. सो बैलेंसिंग पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आपको एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. एक टाइप का क्वेश्चन है आपको वर्ड इक्वेशन दे दिया है, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट. दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है व्हाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, मैंने आपको बताया. थर्ड टाइप का रिएक्शन आ सकता है कि पूरा उन्होंने वर्ड इक्वेशन भी नहीं दिया, अपने स्टोरी जैसे लिख दिए, फिर आपको सोचना है इसमें से रिएक्टेंट्स कौन से हैं, प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कैसे लिखने हैं, कौन सा स्टेट कैसे लिखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी अ वन मार्क और टू मार्क क्वेश्चंस. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. अब दूसरा पार्ट जब हम पढ़ने जा रहे हैं वो होते हैं, हमने केमिकल रिएक्शंस तो देखे, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो हमको ये देखना है
बेसिकली देर आर फोर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. अब ये फोर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं ये हम देखने वाले हैं.